हमारे प्रवक्ता श्रीमान वीरेंद्र चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि संध्या पटना जी, पूर्व विधायक रमेश कश्यप जी, मीडिया आवाज ऊपर कर दो, मीडिया कोऑर्डिनेटर श्रीमान डॉक्टर अशोक जी, हरपाल कलापुरा जी, अमरराज सौदा जी, महामंत्री राजवीर शर्मा जी, सुनील गोयल जी और हमारे जितने भी उपस्थित हमारे मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जिस प्रकार से हमारी केंद्रीय सरकार का बजट पेश हुआ है, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज इतना अच्छा बजट पेश किया है, उसके लिए मैं हमारे प्रदेश प्रवक्ता श्रीमान वीरेंद्र चौहान जी से आग्रह करूंगा कि वो आप सब के सामने आज के बजट की बातें रखें। वीरेंद्र चौहान जी, ठीक है, आज केंद्रीय बजट आदरणीय जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने प्रस्तुत किया और उन्होंने ये बताया कि ये अमृत काल का पहला बजट है। तो अमृत काल का पहला बजट अगले 25 साल भारत के निर्माण की जो दिशा हो उसको तय करने वाला बजट हमने बनाया है। समाज के सभी वर्ग, समाज का हर कोना यूं कह लीजिए उसको छूता हुआ ये बजट है। अभी मैं पत्रकार मित्रों से पूछ रहा था कि कैसा लगा बजट, तो सभी साथियों ने बताया और ये टॉक ऑफ द टाउन वाली बात तो अभी तक यही है कि सबसे ज़्यादा जिस बात की इंतज़ार लोग कर रहे थे और जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो तो जो टैक्स का नया रेजीम आया है, इनकम टैक्स में, आयकर में राहत और रियायत जो दी है उसको आप कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से जो नौकरी पेशा लोग हैं, आयकर भरने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है। इसके अलावा बजट का जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। पिछले वर्ष भी हमने ये देखा कि हमारा जो फोकस रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर रहा। कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें ये बात उभर कर सामने आई कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा, इस कारण से भारत की जो ग्रोथ रेट है वो सारी दुनिया को प्रभावित कर रही है। जब कोविड का संकट आया, महामारी जिसको कहा, महामारी के दौरान दुनिया का कोई देश भारत समेत संकट से बचा नहीं था, हम सब प्रभावित हुए बुरी तरह से। लेकिन संकट आने के बाद रिकवरी किसने कैसी की ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आज सारी दुनिया इस बात को मान रही है, इकोनॉमिक सर्वे केवल नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड उसने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भारत बीते वर्ष के दौरान दुनिया की मेजर इकोनॉमीज, बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का स्टेटस मेंटेन कर पाया है। लगातार हमारी वृद्धि दर बढ़ रही है और एक ऐलान ये बजट भी करता है और इससे पहले का इकोनॉमिक सर्वे भी कि कोविड का जो संकट था इकोनॉमी पर, इकोनॉमी के अलग अलग सेक्शंस पर, नाउ द इकोनॉमी हैज ओवरकम दैट कम्प्लीटली, पूरी तरह से इकोनॉमी कोविड के संकट से बाहर आ चुकी है। जो बजट आज प्रस्तुत किया गया सदन में उसमें भी यही कहा गया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान फोकस करेंगे, हम यूथ पर ध्यान फोकस करेंगे, हम महिलाओं के कल्याण के लिए काम करेंगे, हम खेत, किसान, मत्स्य पालन करने वाले जो देशवासी हैं उनके लिए काम करेंगे, उनको, उनके लिए जो बजट की एलोकेशन है उसको बढ़ाया गया है। और समाज का जो सबसे गरीब तबका है जिसके लिए प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि हमको हर एक गरीब को जल्द से जल्द छत उसके सिर पर हो, पक्का मकान उसके पास हो, इस पर भी इस बजट में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। हाउसिंग फॉर ऑल, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए खास तौर पर 66% इजाफा एलोकेशन में किया गया है। इसी तरह कृषि में एक बड़ा परिवर्तन पिछले साल के दौरान आया कि एग्रीकल्चर केवल प्राइमरी सेक्टर के रूप में बड़े लंबे समय तक देखा जाता था। भाई एग्रीकल्चर तो केवल अनाज पैदा करता है, प्राइमरी सेक्टर है,
उससे आगे एग्रीकल्चर को कोई सोचता नहीं था, लेकिन अब एग्रीकल्चर की शक्लो सूरत, एग्रीकल्चर का अंदाज भारत में हम बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एग्रीकल्चर में बीते वर्ष में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, निजी क्षेत्र का निवेश, वो भी बढ़ा है और हम खेती को केवल भारत के लिए अन्न देने वाला अन्नदाता उसको नहीं देख रहे। हमने ये भी कहना शुरू किया है कि खेती में एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत है। एक्सपोर्ट का पोटेंशियल कब बनेगा, उसके लिए एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स खड़े हों, उसके लिए एक विशेष फंड, वो भी सरकार ने घोषित किया है। उस विशेष फंड से एग्रीकल्चर सेक्टर में छोटे छोटे नए स्टार्टअप्स बनेंगे और आने वाले दिनों में खेती, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जान प्राण तो है ही, लेकिन अभी हाल तक उसको केवल प्राइमरी सेक्टर के रूप में हम देखते थे, वो एक्सपोर्ट आधारित, एक्सपोर्ट केंद्रित क्षेत्र इस नाते से भी बनेगा। हेल्थ पर भी ध्यान दिया गया है। पिछले जब से हम सरकार में आए, जब से जितने मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, 150 से ज्यादा, शायद 157 मेडिकल कॉलेजेस हैं, सरकार ने कहा कि हम हर मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज ये भी बनाएंगे। इसी तरह जो हमारा ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए जो आउटले है उसमें भारी वृद्धि की गई है। तो शिक्षा हो, रोजगार हो, रोजगार तो इन सब चीजों से जनरेट होने वाला है ही, समाज जीवन का, राष्ट्र जीवन का हर क्षेत्र, उसमें बजट एलोकेशन, उसमें वृद्धि यह बजट करता है। और ये एलोकेशन जो बढ़ी है, इसका जो सेंट्रल थीम है, फिर से दोहराऊंगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश है। क्योंकि जब ढांचागत सुविधाएं बढ़ती हैं, बुनियादी सुविधाएं बढ़ती हैं, तो वास्तव में बजट, अच्छा बजट उसी को हम कह सकते हैं। ढेर सारी ऐसी चीजें हैं इस बजट में जो आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में भारत को, जो कि हमारे कार्यकाल में पांचवी अर्थव्यवस्था हुआ करता था, जब हम आए 14 में, जब नरेंद्र मोदी जी ने काम संभाला, वहां से छलांग लगाकर हम पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था के रूप में आज आ गए हैं। हम बढ़ करके हम टॉप इकोनॉमीज में शिखर पर पहुंचे, हम अंततो गत्वा उस दिशा में इस बजट को ले जाता हुआ देश को देखते हैं। सर, किसानों की और रोजगार की इतनी बात नहीं हुई जितना देखा गया, और कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही है, किसान शब्द गायब था, रोजगार शब्द गायब। देखिए, जहां तक किसान की बात है, अगर आप बजट को ध्यान से पढ़ लेंगे तो खेत किसान गायब है ये कहने वाले वो लोग हो सकते हैं, या तो जिन्होंने ध्यान से उसको पढ़ा ना हो। बजट एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है हिमांशु भाई, उस डॉक्यूमेंट को अगर आप पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर का आउटले, एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स शुरू हो, एग्रीकल्चर से जुड़ा एक बड़ा क्षेत्र महत्वपूर्ण जिस पर फोकस भी रहा है, मैं उसका भी जिक्र कर देता हूं। मैं पूरा बजट डॉक्यूमेंट पढ़ने की तो स्थिति नहीं, वो तो काम वित्त मंत्री जी का था, परंतु एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एक बड़ा क्षेत्र है जिसका सीधा सीधा लाभ मुझे, हमारे अपने हरियाणा के गांव को भी मिलेगा, वो है प्राइमरी एग्रीकल्चर जो क्रेडिट सोसाइटीज हैं, पैक्स जिनको कहते हैं, सहकारी समितियां, सहकारी ऋण देने वाली संस्थाएं, वो बहुत अभी तक पिछड़ी हुई थी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रिन्यू नहीं हुआ था, उनका कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ था, वो सिलसिला शुरू कर दिया गया है देश भर में पैक्स, वो उनका आधुनिकीकरण जब होगा तो लाभ किसको होगा, खेत को होगा। मत्स्य पालन के लिए जो पैसा बढ़ाया गया है उसका लाभ किसान को होगा, पशुपालन का जो आउटले बढ़ा है उसका लाभ सीधे तौर पर किसान को होगा। रूरल डेवलपमेंट को फोकस जितनी चीजें हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो किसान के ही खाते में जाती हैं। देश तो किसान का है ना, अधिकांश लोग हम आप गाँव के रहने वाले हैं, किसान हैं, तो किसान को सीधे तौर पर इन चीजों से फायदा होने वाला है। मैं तो देखिए, एग्रीकल्चर का बदलता हुआ स्वरूप ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एग्रीकल्चर केवल अगर खेत खेत तक रह जाए, अनाज पैदा करा और मंडी तक चले गए, किसान को ज्यादा लाभ नहीं होता। लेकिन हिमांशु भाई, भारत का किसान वो एक्सपोर्टर भी हो जाए, वो स्टार्टअप शुरू करके वो मिडल ईस्ट को, दुनिया भर के लोगों को अपना फूड आइटम्स प्रोसेस करके भी बेचना शुरू करे, भेजना शुरू करे, तभी उसकी आमदनी का बढ़ने का सिलसिला वैसे वाला होगा जैसा अब तक नहीं हुआ, जिसकी हम कल्पना और करते हैं और सपना देखते हैं। तो एग्रीकल्चर भी है, सारी पॉजिटिव बातें होगी, काफी सारी चीजों के रेट
बढ़ने भी वाले हैं इस बजट के बाद? देखिए, बहुत सारी चीजों के रेट घटेंगे, कुछ चीजों पर टैक्स थोड़ा बहुत बढ़ा है, तो हर बजट में कुछ चीजों के रेट वो घटते हैं, कुछ चीजों के बढ़ते हैं, लेकिन बजट का मूल काम होता है इकोनॉमी की ग्रोथ की डायरेक्शन को सेट करना, ग्रोथ के इंजन को फ्यूल देना, ग्रोथ के इंजन को ईंधन वो देने की पूरी व्यवस्था इसमें की गई है। कुछ चीजों के दाम नहीं बढ़ेंगे, सिगरेट पर या कुछ ऐसी चीजों पर अगर कुछ कर नहीं बढ़ेगा तो खजाने में धन कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, कुछ चीजें तो बढ़ेंगी ही, कुछ सस्ती भी होंगी। हमेशा किसी भी बजट में आज तक किसी ए ने बी ने सी ने जिसने भी बजट प्रस्तुत किया होगा, सब कुछ कोई सस्ता कर पाए ऐसा संभव नहीं होता। ग्रोथ हो, इस पर फोकस है, ग्रोथ आधारित ग्रोथ केंद्रित बजट है। हम अपने आने वाले वर्षों में लगातार हमारी ग्रोथ रेट बढ़ती देखेंगे, ये एंश्योर करने वाला बजट सरकार ने निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। मैंने बताया ये जब मत्स्य पालन पर 6000 करोड़ रुपए लगेंगे, जब आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य विद्यालय खुलेंगे, जब कौशल रोजगार की प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत नौजवानों के कौशल विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो रोजगार उसके साथ लिंक्ड व्यवस्था है। रोजगार कोई ऐसी चीज नहीं होती कि आप बटन दबाएं और कहीं से रोजगार मिल जाए। रोजगार के लिए नौजवान को तैयार करना, स्किल उसको देना और विकास के कार्यों की झड़ी लगा देना। जब सड़कें बेहतर और बनेंगी, जब तेज गति से रेलवे वो 2.5 लाख करोड़ रुपए के काम करेगा, तो उस सारे में से रोजगार जनरेट होते ही हैं। स्कूल पर कितना परसेंट लगने वाला है सर? स्कूल पर कितना परसेंट लगने वाला है? देश का किसान सेटिस्फाई नजर नहीं आ रहा, ये आपको लगता होगा। हमको ये लगता है कि देश के किसान के लिए वर्तमान सरकार ने, जब से ये सरकार आई है केंद्र में, देश के किसान के लिए हमसे बेहतर किसी ने नहीं किया। मैं अगर 14 से लेकर के और आज तक की भी बात करूं, तो आप पाएंगे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान के किसान के खाते में किसान सम्मान निधि टन से हर 3 महीने बाद वो पहुंच जाती है। और किसान सम्मान निधि का पैसा अगर 100 रुपए दिल्ली से चलते हैं, यानी 2000 रुपए आते हैं किश्त में, तो जब वो आते हैं तो पूरे के पूरे किसान के खाते में जाते हैं। किसान की पीछे का एक हल्का सा ध्यान करा दूं आपको, यूरिया के रेट बढ़े, यूरिया के दाम जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़े, तो ये संकट था ना कि हम वो बोझ किसान पे ट्रांसफर कर सकते थे। वर्तमान सरकार ने जो जो यूरिया के बढ़े हुए दाम थे उसका वजन किसान पर जाने नहीं दिया, अपने कंधों पर ले लिया। हमने उतनी सब्सिडी बढ़ा दी और सब्सिडी बढ़ाकर किसान को जितने का यूरिया पहले मिलता था ये देना हमने सुनिश्चित किया। किसान की फसल समय पर बढ़िया तरीके से खरीदी जाए और उसके खाते में ही पैसे चले जाएं, ये इस सरकार ने सुनिश्चित किया है। अच्छे बीज, अच्छे पेस्टिसाइड मिले, ये इस सरकार ने सुनिश्चित किया। और आज के बजट में जो एक नई चीज किसान के एंगल से फिर मुझे ध्यान में आ गई, बहुत सारी चीजें हैं, वो कि हम अब जो परंपरागत खाद इस्तेमाल करते थे उससे बेहतर आधुनिक खाद की तरफ किसान को लेकर के जाएं, उन्हें बनाने, उनकी मार्केटिंग करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश में चाहिए उस पर फोकस कर रहे हैं। रोजगार वाले बिंदु पर एक बिंदु और जोड़ने का मेरा मन कर रहा है, नई चीजें हम सब अधिकांश लोग, पत्रकार भी हमारे साथी नौजवान है, सीनियर लोग बुरा ना माने, आपको भी नौजवान ही मानता हूं भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, डिजिटाइजेशन का युग है, डिजिटाइजेशन पर पूरा फोकस है, खेत और किसानी की भी डिजिटाइजेशन होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए देश भर में कई एक्सीलेंस सेंटर बनाकर हम जीवन के हर क्षेत्र को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ आने वाले दिनों में भारत में देने वाले हैं। स्कूलों पर कुछ खर्च होगा सर? स्कूलों के ऊपर कुछ खर्च होगा जी? लेकिन पहले भी आप एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस समय लोगों को ना तो पेंशन मिल रही है ना बुढ़ापे का जो कारोबार थे वो रोजगार नहीं मिल रहे हैं, उस पर और क्या कहना चाहेंगे? जो मैं एक बजट पर सवाल खत्म हो जाए तो आपको उत्तर दूं। सर ये महत्वपूर्ण चीज है, आपको बताऊं मैं, अगर जमीनी स्तर
स्तर पर ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आती है, ये वही लोग कह सकते हैं जिन्होंने हरियाणा में बने हुए नए हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पे अपनी गाड़ी नहीं तोड़ाई। सुनिएगा, सुनिए तो सही। स्पेसिफिक कोई बात है तो उसका जिक्र कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ हरियाणा में, अब देश को छोड़ दीजिए, पूरे देश में जब यूपीए की सरकार थी, एवरेज नेशनल हाईवेज बनते थे हर दिन 2 किलोमीटर टोटल। आज ये आंकड़ा 38-40 किलोमीटर रोजाना का है। तो एक्सप्रेसवेज और हाईवेज को देखकर हमारे केंद्रीय जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनको लोग सड़करी और पुलकरी कहने लग गए। इतने हाईवेज एक्सप्रेसवेज उन्होंने बना दिए, तो ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में तो गजब का इजाफा हुआ है। और जब अच्छी सड़क बनती है, अच्छा हाईवे बनता है, अच्छे बस अड्डे बनते हैं, अच्छा रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो ये ग्रोथ का इंजन भी बनता है और रोजगार देने का इंजन भी बनता है। एयरपोर्ट तो सबको चाहिए ना आने वाले दिनों में। एयरपोर्ट्स जितने हैं उतने पर्याप्त नहीं है। नए एयरपोर्ट जहां जहां बनेंगे, अपने अपने क्षेत्र को, वहां के विकास को गति देंगे। कारण दुनिया से कनेक्ट होना ग्लोबल मार्केट में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो एयर कनेक्टिविटी अगर भारत की बढ़ेगी तो हमारे खेत को भी लाभ होगा, हमारे नौजवान को भी लाभ इससे होने वाला है। सर, एजुकेशन सिस्टम को क्या मिलने वाला है इस बार? एजुकेशन सिस्टम को क्या मिलने वाला है? एजुकेशन सिस्टम भी है, और लगातार बढ़ती हुई महंगाई के विषय में क्या बोलेंगे? एयरपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में सिलेंडर की बात करें या रोज किचन में जो सामान इस्तेमाल होता है, लगातार बढ़ती महंगाई, गरीबों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गरीब इस सरकार के और इस बजट के फोकस पर हमेशा से रहा है। संकट आया था कोविड का, और कोविड के संकट में कई लोगों ने कहा कि अनाज के लाले पड़ गए, अन्न के लाले पड़ गए। कहना सरल है, लेकिन हकीकत के आसपास जाना ज्यादा अच्छा और सुकूनदायक होता है। कोविड के संकट काल में जब फैक्ट्रियां बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, कारोबार बंद हो गए, उस दौरान से लेकर आज तक 80 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों को मुफ्त राशन ये सरकार उपलब्ध करा रही है। तो जहां कहीं संकट आया कोविड के कारण, उस पर हमने राहत दी। एक जो महंगाई वाला प्रश्न है, हकीकत ये है, सारी दुनिया पे निगाह डाल लीजिए, आप मुझसे ज्यादा जानने वाले ज्ञानवान लोग हैं। सर, सब्सिडी काट के राशन दे दिया तो क्या किया? एक बात मैं पूरी कर लूं। हां जी। जो दुनिया भर की अर्थदशा है अभी हाल, एक बड़ा फैक्टर, पहले कोविड एक बड़ा फैक्टर था, ग्लोबल फैक्टर था, अब एक बड़ा ग्लोबल फैक्टर है रूस और यूक्रेन का युद्ध। ये दुनिया क्योंकि अब एक ग्लोबल विलेज बन गई है, तो रूस और यूक्रेन जब लड़ते हैं तो हमारे पे असर आता ही आता है, पाकिस्तान पे भी आता है, लंका पे भी आता है। लेकिन जैसा पाकिस्तान पे आता है वैसा भारत पर हम आने नहीं देते। जो दुर्गति लंका की होती है वो हम होने नहीं देते। कोशिश है महंगाई को कंटेन करने की, लेकिन इतना भी सरल नहीं है कि बटन दबाया और ग्लोबल संकट समाप्त हो जाए। करोड़ों लोगों को निशुल्क वैक्सीन जिस तरह से हिंदुस्तान ने दी है, वो सरकार के खजाने से ही दी गई है, उसका बोझ निश्चित तौर पर खजाने पर पड़ा है। निशुल्क अगर राशन दिया है वो भी खजाने पर ही उसका बोझ पड़ा है। तो गरीबी जो आप कह रहे हैं कि राशन की दिक्कत थी, हमने आने नहीं दी। महंगाई का थोड़ा थोड़ा असर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपने अभी कोविड का जिक्र किया, उस दौरान पीएम केयर की बात हुई थी, पीएम केयर फंड एक लॉन्च हुआ था, उसमें लोगों ने दान भी किया, तो उसका क्या हुआ, वो कहाँ गया? लेकिन वो ना ही सरकारी था, वो प्राइवेट कहाँ गया? आज के पत्रकार वार्ता का विषय बजट है। पीएम केयर पर केवल एक वाक्य कहूंगा, पीएम केयर फंड से जो जो काम हुए हैं अब तक, वो सारे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। वो सरकारी ही था, कौन कहता है कि वो प्राइवेट था? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस फंड को संचालित करने, उसका सदुपयोग करने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। तो कोई उसमें कहीं उसमें झोल होने की कतई गुंजाइश नहीं है। अब आप सब्सिडी पर आप एक बात बोल दीजिए, मैं आपका उत्तर दे दूंगा। क्या कह रहे थे? जनता का कहना है कि हमें जो राशन दिया था वो फ्री में नहीं दिया था, हमारी सब्सिडी काट के दिया था। सब्सिडी किसान की हमने कटने नहीं दी, कहीं एक आध चीज पर कोई चीज थोड़ी बहुत कम हो गई हो, लेकिन जो सुविधाएं दी सरकार ने उनके साथ तुलना करेंगी तो आप पाएंगी कि इस सरकार ने 5 लाख रुपए प्रति वर्ष, प्रति परिवार
बार ऐसे 50 करोड़ लोगों को हमने आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी दिया, 80 करोड़ लोगों को राशन का लाभ भी दिया। जो सब्सिडी में कहीं थोड़ी बहुत गैस की में कमी हो गई होगी भाई, वो तो उसका उसके मुकाबले में लेश मात्र भी नहीं है। सरकार चलती है जनता के दिए हुए कर से, ठीक है ना, उस कर का सदुपयोग हम कर रहे हैं और लोगों का पैसा लोगों पर बढ़ाकर खर्च कर रहे हैं, यही सरकार की विशेषता है। सर स्कूल का नहीं बताया आपने, एजुकेशन सिस्टम का। इनको ये बड़ी देर से, एजुकेशन सिस्टम पर एजुकेशन का आउटले बढ़ा है और मैंने स्कूल का एक पॉइंट केवल आपको बताया, उसको दोबारा से दोहरा देता हूँ, डिटेल बजट डॉक्यूमेंट में है कि अकेले जो आपके जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पर हजारों की संख्या में एकलव्य विद्यालय, मॉडल एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाने का एक स्पेशल योजना सरकार ने दी है। जो एग्जिस्टिंग स्कूल एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी हम सुधार करेंगे। क्या नाम है आपका? सोनम जी, एक तो करोड़ों लोग हिंदुस्तान में सड़कों पर नहीं सोते, आंकड़ा दुरुस्त करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग इस देश में निश्चित तौर पर अभी भी आपको करनाल में भी किसी फुटपाथ पर सोते हुए मिल जाएंगे, हम आप उनकी जैसे कैसे संभव होता है संभाल करते हैं, लेकिन ये कहना कि करोड़ों लोग मरते हैं और फुटपाथ पर सोते हैं ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। हम गरीबी उन्मूलन के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। अगर हर गरीब को छत देने की ऐलान किया है और उसके लिए स्पेशल प्रोविजन बजट में किया गया है, अगर गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था की गई है, तो उन्हीं लोगों की चिंता है ना जो बिल्कुल आखिर में है। हम तो अंत्योदय योजना में काम करने वाले व्यक्ति हैं, पहला फोकस समाज का आखिरी व्यक्ति, हमारा फोकस बिल्कुल सही है। वो दिन आएगा निश्चित तौर पर कि करनाल के किसी फ्लाईओवर के नीचे सड़क पर आपको कोई सोता हुआ नहीं मिलेगा। सर ये बजट पहले से अच्छा है या बुरा है? भाई एक मिनट, आप भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आज तक कोई पत्रकारों के लिए कोई कार्यक्रम कोई चीज नहीं करी है, उसके लिए आप क्या घोषणा करना चाहते हैं? तो ये जगमोहन जी के जवाब देने का, लेकिन मैं क्योंकि मैं मूलतः पत्रकार हूं इसलिए मेरा भी उत्तर देना बनता है। भाई साहब, पत्रकारों के लिए पेंशन योजना इस सरकार ने ठीक से लागू की और अनेक पत्रकार अपने शहर में भी होंगे ना आनंद साहब, अभी राकेश शर्मा उसका ताजा उदाहरण है, उनका ₹2.5-3 लाख का एक पैसा नहीं कटा, उनकी पूरी बीमारी का पैसा उनके खाते में। हाँ, केवल ये तो दूसरा भगवान जी मैं बताता हूँ, सुनो, मैं एक बात दावे के साथ कहता हूँ, मैं पत्रकार रहा हूँ, पत्रकारों की एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूँ प्रदेश का, इसलिए मैं आपकी तरफ खड़ा होकर के ये बात कह सकता हूँ कि हमने जो किया है पत्रकारों के लिए, चांद सितारे तो तोड़ के लाए नहीं भाई, और वो सारा तो कर नहीं दिया हमने जिसके के कुछ करने की गुंजाइश ना बचे, लेकिन पहले से हमने बेटर किया है, बेहतर किया। सर ये बजट पहले से बेटर है या बेकार है? 100% पहले से बेहतर है, पहले से हर सेक्टर का आउटले बढ़ा है और ये बजट भारत में भारतीयों का और भारत में दुनिया का विश्वास बढ़ाने वाला बजट है। चौहान साहब, अभी आपने सभी कैमरों पर बोला कि पत्रकारों के लिए आप